ये दम आलू बहुत ही अच्छी, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। आप एक बार ऐसा बना के देखें, एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं नीलम पांडे आप सबका स्वागत करती हूँ नीलम किचन में। आज हम बनाएंगे दम आलू, बिना प्याज, बिना लहसुन और टमाटर का भी यूज नहीं करेंगे, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। दोस्तों, बताना चाहूँगी कि मेरे पास अभी इतनी सुविधा नहीं है, फिर भी प्रयास करती रहती हूँ कि वीडियो अच्छी बने और आप सब इसका लाभ उठा सकें। गैस जला के फ्राई पैन रख दिया, फ्राई पैन गर्म हो चुका है और इसमें डालेंगे 2 चम्मच साबुत धनिया। अब डालेंगे थोड़ी सी जीरा और खड़े मसालों में है 4 छोटी इलायची, 4 लौंग और थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ी सी दालचीनी और साथ में डालेंगे 1.5 चम्मच सौंफ। इसको भी साथ में ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अब इन सबको साथ में डालकर ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसे हिलाते हुए लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। साथ में 4 से 5 लाल मिर्च डालकर भूनेंगे। हिलाते हुए भूनेंगे ताकि मिर्च भी अच्छे से भून जाए। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे मसाले भून चुके हैं और इसे मिक्सर में डालकर पीस लेंगे। अब हमारे मसाले तैयार हैं बनाने के लिए। अगली चीज़ चाहिए आलू, जो प्रेशर कुकर में 1 सीटी आने तक उबाल लिया है। प्रेशर कुकर को जब ठंडा हो जाए, आलू निकाल कर छील लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सारे आलू छील लिया है। दम आलू के लिए छोटे छोटे आलू ही लें। अब हम इन आलूओं को फोर्क की सहायता से छेद करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन आलूओं को एक एक करके छेद करेंगे ताकि मसाले अच्छे से भीने और अच्छा स्वाद आए। जब सारे आलू छेद हो जाएं, तो इसे लो फ्लेम पर तलेंगे। सही कढ़ाई गैस पे रख दी थी हाई फ्लेम पे और उसे हम लो फ्लेम पे कर दिया है। अब इसे इसमें हम एक एक करके आलू डालेंगे। आलू सावधानी से डालें, तेल गरम है, ध्यान से डालें और इसी तरह सारे आलूओं को डालकर तलेंगे। हिलाते हुए अच्छे से तलेंगे। अब हिलाते हुए सारे आलूओं को अच्छे से तलेंगे ताकि चारों तरफ एक जैसा क्रिस्पी क्रिस्पी हमारे आलू बने और गोल्डन ब्राउन तक इसे तलेंगे। सारे मसालों को ग्राइंडर में डाल लेंगे और अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अब आलू को चेक कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे आलू गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। थोड़ी देर और चलाते हुए भून लेते हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर गोल्डन ब्राउन हुए हैं। और इसे 1-2 मिनट के लिए और पका लेते हैं। अभी इन आलूओं को हम निकाल लेते हैं। हमारे क्रिस्पी क्रिस्पी आलू तैयार है पकाने के लिए। अब एक बाउल लेंगे, उसमें 1 कप दही डालेंगे। दही के साथ साथ इसमें जो सूखे मसाले पीसे थे वो डाल के हम इसमें
अच्छे से मिला लेंगे ताकि दही फटे ना। पकाते वक्त इसे खूब अच्छे से मिलाते हुए मिक्स कर लेंगे दही और सारे मसालों को। आप देख सकते हैं कि दही में मसाले अच्छे से मिला लिए हैं। अब कढ़ाई लेंगे, जिसमें आलू तले थे मैंने वही कढ़ाई ली। आप चाहो तो दूसरा कढ़ाई यूज कर सकते हैं। कढ़ाई को लो फ्लेम पर ही रखेंगे। अब इसमें आधी चम्मच हींग डालेंगे। अब इसमें एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक चम्मच सॉल्ट पाउडर डालेंगे और चलाते हुए इसे भून लेंगे एक मिनट के लिए। अब इसमें दही का बैटर डालेंगे और साथ में चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं। मैं इसमें नमक डाल दिया है पर सॉरी रिकॉर्ड करना भूल गई हूँ। इसे लो फ्लेम पर 1-2 मिनट के लिए चलाते हुए भूनेंगे ताकि दही फटे ना और हमारे मसाले अच्छे से भून जाए। आप देख सकते हैं हमारे मसाले में से तेल छोड़ दिया है और कितना बढ़िया लग रहा है। इसी तरह चलाते हुए 1-2-3 मिनट के लिए और भूनते हैं ताकि मसाले अच्छे से भून जाए। हिलाते हुए पकाएंगे। अब हमारे मसाले पक चुके हैं जैसा कि आप देख सकते हैं और इसमें अपने क्रिस्पी आलू ऐड कर देंगे और इसे भी 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे साथ में मिलाते हुए। ताकि मसाले अच्छे से भीग जाए आलूओं में। अब इसे लो फ्लेम पर गैस करके इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारे मसाले आलूओं में अच्छे से भीग जाए और एक अच्छी स्वाद और खुशबू आए। अब 10 मिनट हो चुके हैं। अपने आलू को चेक कर लेते हैं हमारे आलू कैसे बने हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे आलू बनके तैयार हैं। आलूओं से तेल छोड़ चुका है। कितनी अच्छी ग्रेवी और कितनी लाजवाब आप देख सकते हैं। अब इन आलूओं को हम स्टरिंग बाउल में निकाल लेंगे। देख सकते हैं कितनी लाजवाब आलू और कितना बढ़िया स्वादिष्ट दिख रही है अपनी दम आलू। अगर मेरी यह रेसिपी आप सबको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। धन्यवाद।